बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर इंटरटेनर राखी सावंत फिर एक बार सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर इल्जामों की छड़ी लगा दी है। यहाँ तक कि वो बीती रात को पुलिस स्टेशन में अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ FIR दर्ज कराने गई थी। राखी सावंत का ये दावा है कि उनके एक्स हस्बैंड ने उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा राखी सावंत ने रितेश पर कई इल्जाम भी लगाए हैं। तो राखी सावंत के इन आरोपों पर रितेश का बयान भी आया है। रितेश ने ETIME TV के इंटरव्यू में राखी सावंत के इन सारे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। रितेश ने कहा कि मैं उनके सारे आरोपों का कानूनी जवाब दूंगा। मैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था, तब उन्हें ये लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने ये खर्च करना बंद कर दिया तो उन्होंने इन बातों का मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने रिश्ते को खत्म होते हुए सुना है? आने वाले समय में वो मुझे बदनाम करने के लिए मुझ पर और भी आरोप लगा सकती है। वो यहाँ तक भी कह सकती है कि वो और आदिल बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं। वो ये सारा ड्रामा कर सकती है। मैं उससे बहुत दूर हूँ और बहुत खुश हूँ। वो पिछले 3 साल से मेरा इस्तेमाल कर रही है। ना ही उसके पास कार थी और ना ही उसके घर में सामान था। जो कुछ भी उसके घर में है वो सब कुछ मैंने उसे खरीद के दिया है। वो इतनी बेशर्म है कि उसने अवैध रूप से और एक लड़के को अपने घर में रखा है और मैंने जो चीजें खरीदी है उसका इस्तेमाल कर रही है। मैं अब सबूतों के साथ ही बात करूंगा। मेरी पहली पत्नी ने सिग्ना ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और राखी सावंत ने भी वही हथकंडा अपनाया है। आदमी की जिंदगी मजबूर बन के रह गई है। वो पैसा लाए और आपको दे, भले ही उसे अपनी किडनी क्यों ना बेचनी पड़े। मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगा और 498A के खिलाफ जनहित में याचिका दाखिल करूंगा कि इन सारे आरोपों को निरस्त किया जाए। तो फ्रेंड्स, रितेश के इस बात पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।